Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة आँखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा आँखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा माओं ने तो वैसा कोई बच्चा नहीं देखा सादिक का लकब आपको बचपन से मिला था नजरों ने तो वैसा कोई सच्चा नहीं देखा नजरों ने तो वैसा कोई सच्चा नहीं देखा माँ बाप हूँ कुर्बान मेरे अख्लाक नबी पर माँ बाप हूँ कुर्बान मेरे अखलाक नबी पर दुश्मन ने भी रुख पर कभी गुस्सा नहीं देखा दुश्मन ने भी रुख पर कभी गुस्सा नहीं देखा अच्छे तो बहुत आए मगर प्यारे नबी सा अच्छे तो बहुत आए मगर प्यारे नबी सा इस चश्मे फलक ने कोई अच्छा नहीं देखा इस चश्मे फलक ने कोई अच्छा नहीं देखा माओं ने तो वैसा कोई बच्चा नहीं देखा हजरत दुनिया में बड़े से बड़े नामवर आए उमरा और सलातीन आए शोरा आए उदबा आए हुकमा आए फलासफा आए मुसलिहीन आए वायजीन आए मुबल्लिगीन आए पैगंबर आए लेकिन कोई मोहम्मद अरबी की तरह ना आए अल्लाह सुभान व तआला जब किसी को ऊंचा मकाम देना चाहते हैं दुनिया व आखरत में खुसूसी तौर पे उसकी निगहबानी फरमाते हैं उसकी रखवाली फरमाते हैं उसकी तरबियत फरमाते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी ऐसी थी कि आप रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए तमाम इंसानों में सबसे अफजल बशर और तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आइए इसकी दलील मुलाहजा करते हैं इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के किताब अल फजाइल के अंदर इस हदीस को नकल किया है और हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है हदीस इस तरह है عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه وانا اول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع واول مشفع رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل انہی الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الفضائل کے اندر نقل فرمایا
हदीस के रावी जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना सैयद वलदी आदम यौम अल-कियामा, कयामत के दिन इतना बड़ा मजमा होगा तमाम खलायक को अल्लाह एक ही सर जमीन पे जमा करेगा। प्यारे अभी फरमाते हैं मैं तमाम औलाद आदम का मैं सरदार रहूंगा, सबसे पहले कब्र मेरी फटे, सबसे पहला शाफे कयामत के दिन मैं रहूंगा, सबसे पहला सिफारिश करने वाला मैं, और पहला शख्स जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी वो मैं। सवाल ये पैदा होता है, हदीस के अंदर ये को कहा गया कि अना सैयद वलद आदम यौम अल कियामा, कयामत वाले दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार रहूंगा। आप तो दुनिया में भी सरदार थे, दुनिया में आपकी सरदारी मुसल्लम थी, कयामत का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए दुनिया में बहुत सारे मुखालिफीन होते हैं, मुआनिदीन होते हैं, हासिदीन होते हैं, कुफार और मुशरिकीन होते हैं, उन्होंने तस्लीम नहीं किया आपकी नबूवत और रिसालत, उन्होंने आपको अफजल तस्लीम नहीं किया, न सही, आप तो दुनिया में भी सबसे अफजल हो, सबके सरदार, और कयामत के दिन तो वहां कोई मुनाजे, कोई मुखालिफ, कोई हासिद, कोई झगड़ालू, कोई वहां रहेगा ही नहीं झगड़ा और मुखालफत करने वाला कि कह दे कि नहीं आप सबसे अफजल नहीं है। सवाल यह पैदा होता है, हदीस के अंदर मना किया गया है कि नबियों के दरमियान मुफाजलत वाला काम मत करो, एक नबी को दूसरे नबी पे फजीलत मत दो। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तुफ़ज़िलु बैनल अंबिया, नबियों के दरमियान तफजील वाला मामला मत रखो कि ये नबी अफजल, ये नबी अफजल, इनसे ये नबी अफजल। एक रिवायत में ला तुखय्यिरूनी मिन बैनिल अंबिया, तमाम नबियों के दरमियान मुझे इतना मकाम मुझे छांट मत लिया करो। इसका जवाब उलमा ने दिया है, अल्लामा नवी रहमतुल्लाह ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि नबियों के दरमियान एक को दूसरे पे फजीलत न दो, इस हदीस का मतलब यह है कि जब तक प्यारे रसूल को यह नहीं बताया गया था कि आप तमाम औलाद आदम के सरदार हैं, उस वक्त आप ये बात आपने कही थी, जब आपको बता दिया गया कि आप तमाम औलाद आदम के सरदार हैं तो फिर आपने ऐसी बात नहीं कही। पांच जवाब अल्लामा इमाम नवी ने दिया है, एक जवाब यह भी है, मना जो किया गया है ला तुफ़ज़िलू नहीं का सेगा है, ऐ लोगो किसी नबी को दूसरे नबी पे फजीलत मत दो, ये खास है ऐसी सूरत में जब आदमी एक नबी को फजीलत देकर दूसरे की तनकीस मकसद हो, तहकीर मकसद हो, तब ऐसी सूरत में फजीलत वाला मामला नहीं चलेगा। और हमारे प्यारे रसूल नौजुबिल्ला कभी तनकीस और तहकीर का मामला तो आपके साथ हुआ ही नहीं कभी। और दूसरी रिवायत में आपने कहा अना सैयद वलदी आदम यौम अल-क़ियामा वला फख्र, फख्र की बात नहीं है, कयामत के दिन मैं ही औलाद आदम का सरदार रहूंगा। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है नवाज देता है। हमारे नबी पे अल्लाह का कितना फजल हुआ, दुनिया जहान में अल्लाह ने आपका रुतबा कितना बुलंद किया, आपकी शान बुलंद की कि नबूवत और रिसालत से सरफराज होने से पहले भी हमारे नबी को अल्लाह ने बचा लिया ऐसी हरकतों से कि नबी और रसूल होने के बाद आपकी नबूवत और रिसालत में कोई कदह पैदा करे, कोई आयब पैदा करे और कोई ताना दे सके। शराब को आपने हाथ नहीं लगाया कभी, बदकारी के करीब नहीं गए, गीबत और चुगली के करीब नहीं गए, किस बयानी और झूठ के करीब आप नहीं गए। ये अल्लाह की तरबियत देखिए किस तरह हो रही है, जिस्मानी तरबियत, रूहानी तरबियत। अल्लाह सुभान व तआला को मालूम था कि ये नबी जिसे हम सबसे आखिर में भेज रहे हैं, इसी नबी को तमाम नबियों का मुझे सरदार बनाना है, ये नबी जो सबसे आखिर में जा रहा है, इसी नबी को तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान बनाना है। इसलिए अल्लाह का करम और करम का अंदाज आप देखना चाहते हैं, अल्लाह ने कितना मकाम आपको आपका बुलंद कर दिया कि बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो तो हैं ही, विलादत जिस जैसे ही आपकी विलादत बस आदत होती है, पहला मरहला क्या आता है, बच्चे का नाम रखा जाता है कि नहीं है, और नाम भी आपका कैसा चॉइस किया गया, कैसा नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, गोया ये अल्लाह की तरफ से एक तरह से इल्हाम था, ऐसा नाम आपका चॉइस किया गया, मुंतखब किया गया, आपसे पहले ना अरब में ना गैर अरब में किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। काजी आयाज रहमहुल्लाह ने अपनी किताब
किताब शिफा बितारीफ हुकूकिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहम्मद ये जो नाम है कितना प्यारा नाम है, इसकी बहुत सारी खसूसियात आपने बयान की है। उन्हीं में से एक खसूसियत ये भी है कि ये नाम न अरबों में किसी का रखा गया, ना गैर अरब में किसी का नाम आपसे पहले रखा गया। चंद बच्चों का नाम मिलता है, चंद लोगों का जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मालूम है क्यों लोगों ने मोहम्मद नाम रखा था? पिछली किताबों में मोहम्मद नाम के एक नबी के जहूर की बशारत दी गई थी, तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रख लिया था ताकि ये शरफ ये फजीलत उन्हें मिल जाए। बस चंद नाम मिलते हैं, पता ये चला कि ये नाम इतना प्यारा, इतना मुनफरिद नाम किसी का रखा ही नहीं गया आपसे पहले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। और नाम इतना प्यारा कि जब आप मोहम्मद का लफ्ज बोलते हो, जरा बोल के देख लो, मोहम्मद आपके दोनों होंठ चिपक जाते हैं। चिपकते हैं कि नहीं चिपकते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी भी लफ्ज और किसी भी नाम की खूबसूरती की दलील और मोहब्बत की दलील हुआ करती है। दोनों होंठ आपस में चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं। इससे बड़ा महाम और क्या चाहिए? अल्लाह ने आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। आप सुनते हो मुअज्जिन पंज वक्ता नमाजों में जहां अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है, हमारे नबी की नबूवत और रिसालत की भी शहादत और गवाही देता है। शायर रसूल हजरत हसन इब्ने साबित ने इसी की तरह किया था। وَزَمَّ اللَّهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ يَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ। अल्लाह सुभान व तआला ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। وَزَمَّ اللَّهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إذ قال في الخمس المؤذن إذ قال في الخمس المؤذن واشهدوا। क्या आप नहीं सुनते कि अजान के अंदर पांच मरतबा दिन और रात के अंदर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बयान बुलंद करता है, ये फजीलत नहीं है तो क्या है? वशक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू, और नबी के नाम को उसने अपने नाम से निकाला है, फाड़ा है ताकि मोहम्मद अरबी की ताजीम करे, तकरीम करे, आपकी तकरीम करे, आपकी आपको इज्जत दे। फजुल अर्श महमूदुन वहादा मुहम्मदु, अर्श वाला महमूद है और ये मोहम्मद है। अरे नबी के नाम की लज्जत पे हो दरूद व सलाम, नबी की नाम की लज्जत पे हो दरूद व सलाम, ज़बा को लुत्फ़े शराबे तहूर मिलता है। मेरे भाई नबी का जब भी नाम आए आप दरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार नाम आए तो ये मुख्तसर वाला दरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीली दरूद, मुस्तकिल दरूद और सलाम आप भेजना चाहते हैं तो वो दरूद भेजिए जो हमारे नबी अपने सहाबा को सिखाया करते थे। वो खुद साख्ता दरूद नहीं जिसे लोगों ने अपने घर की हड्डिये में बना करके दुनिया के सामने परोस दिया है और जिसे मोहब्बत और अकीदत का आला मेयार तसव्वुर किया जाता है। अरे सहाबा से ज्यादा आप अकीदत वाले हो जाओगे, मोहब्बत वाले हो जाओगे। अरे मेरे भाइयों, दरूद इब्राहिमी याद कर लो, और एक बार आप दरूद पढ़ते हो तो अल्लाह सुभान व तआला 10 बार आप पे रहमत भेजता है, आपका जिक्र आसमानों में करता है, आपकी जबान पे मोहम्मद अरबी का नाम आता है, आप दरूद भेजते हो, अल्लाह सुभान व तआला आपका तज़किरा आसमानों में करता है, फरिश्तों के दरमियान करता है। मेरे भाई कितनी इज्जत मिली आपको, आपका नाम भी मुनफरिद, आपका काम भी मुनफरिद, आपकी सूरत जुदा गाना, आपकी सीरत जुदा गाना, आपकी सूरत जुदा गाना। कोई भी इंसान आज तक मोहम्मद की शक्लो सूरत और हुस्नो जमाल को नहीं पहुंच सका, और कोई भी आपकी सीरत और किरदार और अमल और अखलाक के करीब भी ना पटक सका। इसीलिए मैंने कहा था, बेदाग साफ सुथरी थी सीरत रसूल की, बेदाग साफ सुथरी थी सीरत रसूल की, उनकी तरह न आया कोई साहिब कमाल, उनकी तरह न आया कोई साहिब कमाल, मिसले कमर दमकता था चेहरा हुजूर का, मिसले कमर दमकता था चेहरा हुजूर का, तरे हुआ ना कोई साहिबे जमाल, तकरीम सबकी होती थी दरबार नबी में, तकरीम सबकी होती थी दरबार नबी में, रूमी सोहैब हो किया हूँ हजरत बिलाल। अगर आप आली और अदना के अंदर फर्क करते, सोहैब रूमी को, बिलाल हबशी को, सलमान फारसी को, नबी की दरबार में इतना आला मकाम कभी नहीं मिलता।
सवाल यह है, हर कोई अपने नबी के बारे में कह सकता है कि हमारे नबी सबसे अफजल, आपसे पहले जो पैगंबर आए, मूसा आए, ईसा आए, उनके मानने वाले भी तो यही बात कह सकते हैं। किसी भी बात को साबित करने के लिए दलील की जरूरत होती है। हमारे नबी सबसे अफजल क्यों है तमाम इंसानों में और तमाम नबियों में? बहुत सारे दलायल हैं और इस बात की शहादत तो सिर्फ अपने नहीं बेगाने भी दे रहे हैं। 100 अजीम इंसान का राइटर, 100 दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल जिन्होंने दुनिया को मुतासिर कर दिया, जब उनकी लिस्ट बनाता है, किताब लिखता है, तो सबसे पहले नंबर पे वो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है। ऐसे नहीं रखता है। बहुत सारे शवाहिद और दलायल हैं कि हमारे नबी तमाम इंसानों में सबसे अफजल, हमारे नबी तमाम अंबिया में सबसे अफजल। इसके असबाब तो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक गोशा ले रहा हूं आज के इस खुतबे में, एक गोशा। हमारे नबी सबसे अफजल इसलिए कि आप जो कुछ कहते थे पहले उस पर अमल करके दिखाते थे। आपसे पहले जितने वाइजीन आए, मुसलहीन आए, बानियाने मजाहिब आए, पैगंबर आए, किसी के कौलो फेल में वो मुताबकत आपको नहीं मिल सकती है जो मोहम्मद अरबी के कौलो फेल में जो मुताबकत आप देख सकते हैं। जो कुछ आपने अपने पैरोकारों और मुत्तबईन को करने का हुक्म दिया, सबसे पहले खुद उस पर अमल किया, और ऐसा वैसा अमल नहीं, इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। ऐसा अमल कमा हक्कहू बदरजे अतम पहले, वरना तो क्या हुआ कि बुसलहीन आए, वाइजीन आए, बानियाने मजाहिब आए, मीठी मीठी बातें करके बहुत सारे लोग चले गए, मीठी गोलियां दे के चले गए, अपनी जादू बयानी से और सहरंगेजी से, आवाज की तासीर से, कुव्वते जोरे बयां से लोग मुतासिर करके चले गए। लेकिन हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने पैरोकारों का इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया, कभी किसी के जज्बात का इस्तेहसाल नहीं किया, कभी खूबसूरत अल्फाज का आपने जादू नहीं जगाया, कभी खुशनुमा अल्फाज की सिर्फ बंदिश आपने नहीं की। जो कुछ कहा पहले अमल किया, अपने घर वालों को अमल करके दिखाया, अपने बीवी बच्चों को अमल करने पर मजबूर किया। ये हमारे मोहम्मद अरबी का वो कारनामा है जो आपसे पहले कोई उस तरह पेश नहीं कर सका, जिस तरह कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर गए। ये मैं यहां से असल तकरीर पे आ रहा हूं। आइए मैं चंद झलकियां दिखाता हूं नबी के आमाल के नमूने। सिर्फ मीठी बातें नहीं है, सिर्फ अल्फाज का जादू नहीं है, सिर्फ जोरे बयान नहीं है, बल्कि जो कुछ आप कहते थे दिल की अथाह गहराइयों से, पूरे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, और पहले उस पे अमल करने का आप जज्बा रखते थे और अमल करके दिखाते थे। आइए सबसे पहले नमाज को लेते हैं। नमाज तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत। प्यारे हबीब ने अपने मानने वालों को कितनी नमाजों का हुक्म दिया बताइए? सिर्फ 5 नमाजों का हुक्म दिया। लेकिन कुर्बान जाइए, कायनात के इमाम की नमाज का हाल अगर कोई दरियाफ्त करे, कोई हमारे नबी की गिरफ्त नहीं कर सकता है कि आपने 5 वक्त नमाजों का हुक्म दिया मगर आपने भी नमाजों में कोताहियां की हैं, सिर्फ 1-2 नमाजें आपकी छूटी हैं हालत जंग में, बहुत ही मशक्कत, गज़वे अहज़ाब में 1 नमाज असर की नमाज दुश्मनों की वजह से कजा हो जाती है। कायनात के इमाम तड़प उठते हैं, अल्लाह की लानत हो इन जालिमों पर जिन्होंने इतना मुझे मशगूल कर दिया कि मुझे नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। एक बार सफर में सो गए, किसी वादी में पड़ाव डाले थे, सूरज निकल आया, फजर की नमाज जमात से, चंद एक वाकया ठगालने से मिलेंगे आपको। 5 वक्त की नमाजों का हुक्म दिया मगर कुर्बान जाइए, कायनात के इमाम 8 वक्त की नमाजें पढ़ा करते थे। सबसे पहले फजर पढ़ते थे, सूरज निकलने के बाद इशराक पढ़ते थे, और सूरज चढ़ता था तो आप चाश्त की नमाज पढ़ते थे, आप उसके बाद जोहर पढ़ते थे, उसके बाद असर पढ़ते थे, फिर मगरिब पढ़ते थे, उसके बाद ईशा पढ़ते थे, और रात में जाग करके आप तहज्जुद पढ़ते थे। कितनी नमाजें हो गई? 8 नमाज। एक तरफ आपका कौल देख लीजिए और दूसरी तरफ आपका अमल देख लीजिए। चाश्त की नमाज के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ उलमा ने कि आप मुस्तकिल पढ़ते थे या नहीं, क्योंकि रात में ढेर सारा कयाम, आप काफी देर तक लंबा कयाम करते थे, इसलिए
अम्मा आयशा कहती हैं, मैंने कभी आपको चाश्त की नमाज पढ़ते नहीं देखा। दो रिवायतें टकरा रही हैं। हो सकता है कोई भाई किसी को वो रिवायत मालूम हो, अम्मा आयशा वाली कि अल्लाह के रसूल से कहती हैं उनके बारे में, मैंने कभी आपको चाश्त की नमाज पढ़ते नहीं देखा। और दूसरी रिवायतों में है कि अल्लाह के रसूल 4 या 6 रकात चाश्त की नमाज पढ़ते थे। तो उलमा ने जवाब ये दिया है कि अम्मा आयशा के ना देखने से ये लाजिम नहीं आता है कि अल्लाह के रसूल चाश्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। और उलमा ने तौफीक की सूरत ये निकाली, कंप्रोमाइज किया है दोनों हदीसों के अंदर कि आप पढ़ते थे, कभी कभार आपसे छूट भी जाती थी ये नमाज, इसलिए कि रात में आप तहज्जुद पढ़ते थे, कयामुल लैल। ये वो नमाज है जो आपकी उम्मत से तो माफ हो गई नमाजें पंजगाना की फर्जियत के बाद, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पांचों नमाजों की फर्जियत के बाद भी आप जब तक जिंदा रहे तहज्जुद की नमाज कभी आपने नहीं छोड़ी, बराबर आप पढ़ते रहे। और उलमा का इख्तिलाफ है इस बात में कि क्या हमारे नबी पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी या नहीं। एक कसीर तादाद उलमा की ये मानती है, इम्मा की, कि हमारे नबी पर ये नमाज फर्ज थी। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला, अल्लाह हुक्म दे रहा है अपने नबी को, ओ कमली के ओढ़ने वाले, रात में जाग करके आप नमाज पढ़िए। तो इससे इस्तदलाल और बहुत सारी रिवायतों से बहुत सारे अइम्मा ने कि आपके ऊपर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी और नमाज कयामुल लैल, अल्लाहु अकबर, उसकी कैफियत अगर मैं आपको बताऊं, इतना लंबा कयाम करते थे कि पैरों में वर्म आ जाता था, पैर सूज जाते थे, फूल जाते थे। अम्मा आयशा की आई हदीस देखते हैं। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के किताब सिफतिल खियामा के अंदर इस हदीस को नकल किया, और हदीस की राविया खुद नबी की बीवी राजदार होती है, घर की इबादत घर की कैफियत उससे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बयान करती है, हदीस पूरी सुन लीजिए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تفطر قدماه قالت عائشة يا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا رواه الامام مسلم في صحيحه كتاب صفات القيامة امام البخاري نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے الفاظ تھوڑا مختلف ہیں اماں عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول جب رات میں قیام کرتے تھے इतना लंबा खयाम करते थे कि आपके पैर सूज जाते थे। बुखारी की रवायत हत्ता तरीमा खदिमा कदमा, आपके दोनों पैर सूज जाते थे। और यहां पे हत्ता ततफत्तरा कदमा, अल फुतूर अरबी जबान में कहते हैं शुकुक, फट जाना, पैर फट जाते थे कसरत कयाम की वजह से, लंबा कयाम करने की वजह से। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के रसूल आप ऐसा कर रहे हैं, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। प्यारे हबीब कहते हैं आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं, आइए मैं आपकी तहज्जुद गुजारी की एक झलक, अक्ल इंसानी हैरान रह जाएगी कितनी ताकत और कुव्वत अल्लाह ने आपको अता की थी। सही बुखारी किताबो सलातिल मुसाफिरीन की रवायत, इमाम बुखारी ने अपने सही के किताबो सलातिल मुसाफिरीन के अंदर, इमाम मुस्लिम ने किताबो सलातिल मुसाफिरीन के अंदर इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं हजरत हुज़ैफा इब्न यमान इस हदीस के रावी, लंबी रवायत है, मैं इसे तर्जुमा बताता हूँ। फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़याम कर रहे थे, मैं भी जाके शामिल हो गया। आपने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी, मैंने सोचा शायद 100 आयत पढ़ करके आप रुकू में चले जाए, आगे बढ़ गए। मैंने कहा 200 आयत शायद पढ़ के आप रुकू में चले जाए और आगे बढ़ गए। मैंने सोचा शायद सूरह बकरा पूरी पढ़ जाए रुकू के अंदर, उसके बाद तो रुकू में जाएंगे ही। पता ये चला सूरह बकरा पढ़ गए, सूरह निसा पढ़ गए, सूरह आले इमरान जैसी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ गए। अल्लाह अकबर, और किरत की कैफियत, वो हमारे वहाँ रमजानी हाफिज जी जो पढ़ते ना या लमुन तालमुन के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता है, और उसी में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। एक पारा पढ़ते पढ़ते कोई उधर इमाम साहब को घसीटता है, इमाम साहब आपने लंबी नमाज कर दी, यानी मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज से इमाम साहब को बेचारे डोज देते रहते हैं ताकि वो अपनी किरत को किस स्पीड से उन्हें पढ़ानी है, वो बेचारे खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कितनी स्पीड उन्हें रखनी है। एक मुसल्ली कुछ कह रहा है, दूसरा मुसल्ली कुछ कह रहा है, कायनात के इमाम तहज्जुद में मसरूफ है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जरा खैरा किरत की कैफियत देख लीजिए, इदा मर्रा बे आयतिन फिया सवालुन साला, अल्लाह के रसूल जब किसी ऐसे आयत से गुजरते जिसके अंदर सवाल की बात होती, अल्लाह से कुछ मांगने की बात होती, वहां रुक करके अल्लाह से मांगते थे। अल्लाह के अजाब से अगर पनाह मांगने वाली आयत आती थी तो वहां रुक करके आप पनाह मांगते थे, अल्लाह के अजाब वाली आयत आती थी तो अल्लाह के अजाब से आप पनाह मांगा करते थे, उसके बाद आप रुकू में गए।
सुभान रब्बियल अजीम आपने पढ़ना शुरू किया, इतनी देर तक आप रुकू में रहे। रावी कहते हैं ताना रुकू करीबन मिन कयाम ही, जितनी देर तक आप कयाम में थे खड़े थे तकरीबन उसी के करीब करीब आप रुकू में रहे। अल्लाह, पांच मिनट दस मिनट अगर रुकू की हालत में हमें और आपको झुकना पड़े शायद मुके वली गिर पड़े। बड़े बड़े नौजवानों की भी हालत अगर कह दिया जाए आधा घंटा 40 मिनट 20 मिनट आप रुकू की हालत में वर्जिश जैसे एक्सरसाइज लोग करते हैं झुक करके, कह दिया जाए जरा आधा घंटा झुके रहो, अल्लाह कितनी ताकत आपको अता की गई थी अल्लाह की तरफ से। उसके बाद रुकू से कायनात के इमाम सर उठाते हैं, इतनी देर तक रुकू के बाद आप खड़े रहते हैं तकरीबन जितनी देर तक आप रुकू, उसके बाद आप सजदे में जाते हैं और उसके बाद दुआ करते हैं और सजदे में उतनी देर तक आप रहते हैं जितनी देर तक तकरीबन आप रुकू के बाद कयाम में होते हैं, उसके बाद आप सर उठाते हैं और उसके बाद फिर, यानी ये तो एक रकत है। अब आप सोच लीजिए कि कितना वक्त लगता रहा होगा। ये हमारे नबी का अमल था और यही चीज दुनिया में जितने मुस्लिहीन आए, वाइजीन आए, बानियाने मजाहिब आए, कोई भी इस तरह अपने कौल व अमल में मुताबकत नहीं पेश कर सकते। आपने अपने पैरोकारों को रोजा रखने का हुक्म दिया है कि नहीं, कितना रोजा रखना है, कितने रोजे का हुक्म दिया आपने, वाजिब रोजा बताइए कितना है, सिर्फ रमजान के रोजे 30 रोजे, लेकिन आपका अमल, ये तो आपका कौल है, ये तो आपका हुक्म है अपने मानने वालों को कि भैया रमजान के रोजे तो रखना है अगर कोई उज्र नहीं, आपका अमल क्या है जरा आइए वो खंगाल के देख लेते हैं। कायनात के इमाम रमजान उल मुबारक के 30 रोजे रखते थे और उसके बाद आप शव्वाल के भी 6 रोजे रखते थे, हर महीने अय्यामे 20 के रोजे रखते थे 13, 14, 15 और उसके बाद हफ्ते में दोशंबा और जुमेरात का रोजा आप रखते थे, शाबान में आप कसरत से रोजे रखते थे, आशुरा का रोजा आप रखते थे। अम्मा आयशा बयान करती है आदमी की अपनी बीवी सबसे ज्यादा जानकार होती है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى ظننا انه لا يفطر, अल्लाह के रसूल इतनी कसरत से रोजा रखते थे नफली यहां तक कि हम गुमान करते थे शायद आप कभी रोजा इफ्तार नहीं करेंगे, और जब आप रोजा इफ्तार कर लेते थे तो हम ये सोचते थे शायद अब आप नफली रोजा नहीं शुरू करेंगे। आपने किसी महीने का रोजा मुकम्मल नहीं किया सिवाय रमजान के रोजों के, और आपको मैंने देखा सबसे ज्यादा रोजा शाबान के महीने में आप नफली रोजा रखा करते थे। गफलत बरतते हैं लोग इस महीने में, और एक रवायत में है कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, तो आप चाहते थे कि आपके आमाल अल्लाह के सामने इस हाल में पेश किए जाए कि आप रोजे से हो। एक बात अगर और बताऊं, ये तो नफली रोजो रोजे की कैफियत, आपने अपने मानने वालों को किस तरह का रोजा रखने का हुक्म दिया, तो तुलू फजर से गुरूब शम्स तक आपको रोजा रखना है, कुछ खाना पीना नहीं, सुबह से शाम तक ही आपको भूख प्यास बर्दाश्त करनी है, मगर कुर्बान जाइए कायनात के इमाम पे बगैर आबो दाना के बगैर कुछ खाए पिए कई कई दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन का मुस्तकिल रोजा रखते थे, बीच में कुछ खाते पीते नहीं थे। आइए एक हदीस पढ़ लेते हैं, इसको सौ में मिसाल कहा जाता है, इमाम बुखारी ने अपनी सही के किताबुल एहतिसाम बिल किताबी व सुन्ना के अंदर इस हदीस को नकल किया है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा है, नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला क़ाल ला तुवासिलु قالوا انك تواصل يا رسول الله قال انكم لستم اني لست مثلكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين او ليلتين ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكن لهم رواه الامام البخاري في صحيحه की किताब इल्तिसाम बिल किताब सुन्ना। इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी सही के किताब इल्तिसाम बिल किताब सुन्ना के अंदर नकल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल ने अपने मांगने वालों को सहाबा से कहा ला तुवासिलु ऐ सहाबा, सौमे मिसाल तुम्हारी ताकत नहीं है मुस्तकिल रोजा बगैर कुछ खाए पिए मत रखा करो। सहाबा ने नक्काली करनी चाहिए प्यारे नबी की इबादत की, कहने लगे इन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह, आप तो कई कई रोज तक बगैर कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं, हम भी आपकी तरह रोजा रखना चाहते हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया
इन्नी लस्तु मिथलकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इन्नी अभी तो युतिउनी रब्बी व यस्कीनी, ऐ लोगों मैं इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। खिलाने पिलाने का मतलब ये नहीं है कि अपने नबी के लिए अल्लाह आसमान से कोई खुसूसी डिश भेज देता था, कोई खुसूसी खाना भेज देता था। ये रूहानी गजा थी जो अल्लाह अपने नबी को देता था, ये रूहानी ताकत थी जो अल्लाह अपने नबी को अता कर देता था। दूसरों में इसकी ताकत नहीं थी। लोग नहीं माने, कहा नहीं, हम आपके साथ रोजा रखेंगे, बराबर वाला रोजा, बगैर आबोदाना के, बगैर कुछ खाए पिए। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा तुम लोग मेरी बराबरी करना, तो चलो आओ इधर आओ, आओ आओ, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है, तुम मेरा साथ दे सकते हो कि नहीं। फवासला बिहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमैन यौमैनतैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दिन या दो रातें उनके साथ सौमे विसाल किया, बगैर कुछ खाए पिए आपने रोजा रखवाया। थुम्मा राउल हिलाल, चांद निकल आया, आपने फरमाया लौ ताखरल हिलाल लज़िदतुकुम, अगर ये चांद और देर से निकलता, 29 का महीना ना होता, 30 का होता, तो मैं 3 दिन तुमको रोजा रखवाता। कल मुनक्किली लहुम, मुनक्किल कहते हैं तनकील से, पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर आपने उनको रोजा रखवाया था, आइंदा से तौबा करो, मेरी नकली नहीं करना। तुम्हारे लिए जो हुक्म है वो यही है कि सुबह से शाम तक भूखे रहो और उसके बाद इफ्तार करो, सारी खाओ। ये तुम्हारे लिए आपने बरकत बताई, सारी खाने के अंदर बरकत है, इसलिए सारी खाओ। इफ्तार के अंदर आपने जल्दी, कुछ लोग तुम्हारे वहाँ एहतियाती 5 मिनट अजान हो रही है फिर भी ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट बजा रहे हैं इंतजार। आप प्यारे रसूल ने कहा इफ्तारी में जल्दी करो, जल्दी करो, ये हुक्म आपने रोजे के अंदर दिया। ये नबी का कौल था और ये नबी का अमल था। अब आप देख लीजिए कि मुताबकत कितनी है। आपसे पहले के जो लोग आए, बानियाने मजाहिब आए, मीठी मीठी बातों में कितने लोगों ने अपने मानने वालों को मीठी गोलियां दे के चले गए, जोर बयां से लोगों को मुतासिर कर दिया, लेकिन खुद का अपना अमल अगर झांक के देखा जाए तो खरे नहीं उतरे। लेकिन हमारे नबी अल्लाह अकबर, जो कौल था अमल में कहीं आगे थे, और हमारे नबी के कौल अमल में तजाद हो भी कैसे सकता था। अरे आप तो लोगों को यही तालीम देते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, कबुरा मख्तन इंदल्लाहि अन तकूलू मा ला तफअलून। ऐ ईमान वालों, ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते। बहुत बड़े नाराजगी की बात है, वईद की बात है कि आदमी वो बात कहे जिस पे खुद वो अमल नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ये दर्स लोगों को देते थे, तो आपके कौल अमल में कितनी मुताबिक। आइए एक झलक और मैं आपको दिखाता हूँ। प्यारे रसूल ने सदको खैरात का हुक्म दिया, जकात का हुक्म दिया, अल्लाह की राहों में खर्च करने का हुक्म दिया। बहुत सारे लोग खर्च करने पे उभारते हैं, उभारते हैं कि नहीं उभारते हैं, अल्लाह की राहों में खर्च करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन खुद को अगर खर्च करने की बात आ जाए अल्लाह की राहों में, उनको भी अल्लाह ने नवाजा है। कहना ये बहुत आसान है, लेकिन अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल काम है। प्यारे रसूल ने आपने ज़कात का हुक्म दिया, सदको खैरात का हुक्म दिया, कितना आपने अमल किया। आइए नबी की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास बिल खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। वकान अजवद मा यकुनु फी रमजान, आप रमजान में सबसे ज्यादा सखी हो जाते थे। जब जिब्रील आते थे और कुरान का मुजाकरा आपको करवाते थे, तो आपकी सखावत तेज हवाओं के झोंकों से भी बढ़ जाया करती थी। हजरत जाबिर कहते हैं मा सुअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल इस्लाम शैयन फकाल ला, इस्लाम में कभी भी प्यारे रसूल से किसी चीज, किसी सायल ने अगर कुछ मांग लिया, कायनात के इमाम ने कभी ना नहीं कहा, ना तो आपकी जबान जानती ही नहीं थी ना किसको बोलते हैं। अल्लाह, आइए चंद झलकियां आपको दिखाते हैं कि जो कहा किस तरह उस पर अमल करके दिखाया, किस तरह अल्लाह की राहों में खर्च करके दिखाया। लोगों को सिर्फ खुशनुमा अल्फाज का जादू नहीं जगाया, सिर्फ लोगों को दर्स दिया, अपने आप को फरामोश कर गए, ऐसा कुछ नहीं। आइए मैं आपको झलकियां दिखाता हूं। फरमाते हैं एक सही बुखारी की रवायत है, एक आदमी ने दो पहाड़ी के बीच में आकर के आपको पकड़ लिया, कुछ मांगना चाहा। प्यारे हबीब ने उसे एक बकरी दी, कहाँ, दो पहाड़ी के बीच में। ऐसी जगह पे हम कहीं हो तो आमतौर पे साहिल को झिड़कियां मिलती हैं, अरे भाई मौका महल देखा करो, हर जगह मांगने पहुंच जाते हो। नहीं, फाताहु खनमन बैना जबलैन, दो पहाड़ियों के बीच में आपने उसे एक बकरी इनायत की। जब वो अपनी कौम के पास लौट के गया तो कहने लगा
या कौम अस्लिमो, ऐ मेरी कौम के लोगों ईमान ले आओ, फइन्न मुहम्मदन युती हता ला यक्शल फाका, अरे मोहम्मद तो ऐसे आदमी है इतना अल्लाह की राहों में खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं कि गरीबी से भी नहीं डरते हैं। अल्लाह अकबर। एक औरत ने एक चादर बड़ी मोहब्बत से बड़ी अकीदत से अपने हाथ से उस चादर की उसने बुनाई की थी, कायनात के इमाम की खिदमत में पेश करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, अल्लाह के रसूल आप इसे ज़ेबतन फरमा लीजिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जरूरत थी उस चादर की, आपने उसे ज़ेबतन कर लिया। बाहर पहन के निकलते हैं, एक आदमी देखता है कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर आप मुझे इनायत कर दीजिए। कायनात के इमाम ने फौरन वो चादर उतारी और उस आदमी के हवाले कर दिया। हाजरीन मजलिस में से किसी ने कहा ओ मेरे भाई तुम्हें पता है कि नबी तो किसी की जबान नहीं काटते हैं, तुमने नबी से वो चादर क्यों मांग ली? अरे नबी को उसकी जरूरत थी तब आपने उसे ज़ेबतन किया था। कहने लगे मेरे भाई मैंने वो चादर इसलिए नहीं मांगी है कि मैं उसे ज़ेबतन करूंगा, मैं पहनूंगा, मैं तो उसे संभाल कर रखूंगा, जब मेरी मौत हो जाएगी तो इसी चादर को मैं अपने लिए कफन बनाऊंगा, इसलिए मैंने नबी से उसको मांगा है। अल्लाह अकबर। खर्च करने का ऐसा अंदाज कहीं देखा सुना है आपने? हज़रत अबू ज़र साथ में चल रहे हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उहुद पहाड़ी नमूदार होती, जो लोग गए होंगे हजमरा पे उन्होंने देखा होगा कितनी लंबी पहाड़ी है, कितनी लंबी पहाड़ी है। हज़रत अबू ज़र से आप कहते हैं अरे अबू ज़र अगर अल्लाह सुब्हान व तआला इस उहुद पहाड़ी को मेरे लिए सोना बना दे तो मैं सबको अल्लाह की राहों में खर्च कर दूंगा, तीन रातें भी गुजरने नहीं पाएंगी, एक दीनार भी उसमें से मेरे पास नहीं बचेगा, इल्ला एक ही कोई ऐसा दीनार जो मैं कर्ज के लिए रोक दूं, अगर किसी का कर्जा वर्जा अदा करना है तो चाहे मैं रोक लूं, वरना सब कुछ मैं बांट करके अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा। एक बार असर की नमाज कायनात के इमाम पढ़ाते हैं, मुसल्ले पे से फौरन आप सीधे घर की तरफ चले जाते हैं गर्दनें फैलाते हुए, सहाबा हैरान रह जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, आपका ये मामूल नहीं था, सलाम फेरा, इतनी तेजी के साथ आप घर की तरफ बढ़ते चले गए, वापस आए कहने लगे ये लोगों मुझे याद आया कि मेरे घर में सोने का एक डला मौजूद है, मैंने ये गवारा मुझे नहीं हुआ कि वो डला सोने का मेरे घर में मौजूद हो, रात हो जाए कायनात के इमाम के घर में दुनिया की दौलत मौजूद हो, यह मुझे गवारा नहीं। ये थे हमारे नबी। आपने जिक्र अजकार का हुक्म दिया अपने मानने वालों को, अल्लाह को कसरत से याद करो, कसरत से याद करो। एक सहाबी ने कहा इन शराया अल इस्लाम कद कसरत अलैया या रसूल अल्लाह फाउसिनी बिशयइन अतशब्बथु बिही, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु लिसानुक रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के रसूल इस्लाम के शराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सुन्नतें बहुत सारी हैं, सोचता हूँ क्या अमल करूँ क्या ना करूँ, कोई जामे वसीयत आप कर दीजिए, मैं उसको मजबूती से अतशब्बतु बिही यानी अतमस्सक बिही, पकड़ लूँ उसको मजबूती से। कायनात के इमाम उसे वसीयत कर रहे हैं ला यज़ालु लिसानुक रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मेरे भाई हमेशा तुम्हारी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। आइए कायनात के इमाम की ज़िंदगी में झाँक के देखते हैं, क्या सिर्फ आपने अपने मानने वालों को जिक्र का हुक्म दिया, अल्लाह की तस्बीह का हुक्म दिया, तहलील का हुक्म दिया, पाकी और बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद अल्लाह को फरामोश कर गए। आइए देखते हैं नबी का अमल क्या था। अम्मा आयशा आपकी बीवी बयान करती है कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही, अल्लाह के रसूल हर पल हर लम्हा हर सात अल्लाह का जिक्र किया करते थे। दुकान में हो, मकान में हो, शाहरा में हो, मार्केट में हो, बाजार में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, जहां भी आप होते थे अल्लाह को कभी फरामोश नहीं करते थे, अल्लाह को कसरत से याद करते थे। हमारे नबी ने जो दुआएं पढ़ी है की है, जो अल्लाह का जिक्र किया है, जिन अल्फाज में अल्लाह की पाकी बयान की है, मुहद्दिसीन ने जब उन्हें जमा किया उन अल्फाज को, उन दुआओं और अज़कार को, पूरी ज़खीम जिल्द बन गई और एक एक लफ्ज़ उस जिक्र का दुआ का अल्लाह की अजमत और किब्रियाई में डूबा हुआ आपको मिलेगा। अल्लाह की तस्बीह में, अल्लाह की तहलील में एक एक लफ्ज अज़कार की किताबें उठा कर देख लीजिए, तस्बीह हो आप दुआओं की किताबें उठा के देख लीजिए। ऐसे ऐसे मौके पर हमारे नबी अल्लाह को याद करते थे कि दुनिया सोच भी नहीं सकती, ऐसे मौके पे भी अल्लाह को याद किया जाता। आइए मैं चंद झलकियां दिखाता हूं। जब बादल गरजने लगता था, बिजलियां कूदने लगती थी, मौसम खुशगवार हो जाता था और मौसम की खुशगवारी से लोग लुत्फंदोज होने लगते थे। कौन है जो ऐसे मौके पे अपने अल्लाह को याद करे? मगर कुर्बान जाइए कायनात के इमाम
ऐसे मौके पर जब बादल गरजने लगते थे, बिजलियां कूदने लगती थी, कायनात के इमाम अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मसरूफ हो जाया करते थे, दुआ करने लगते थे, सुभान अल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, पाक है अल्लाह की जात की